आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के आयोजित हुई संभाग स्तर बैठक, विस्तारक योजना को लेकर हुई चर्चा। 26 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने नियुक्त किए अपने विस्तारक। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाजपा संभाग की बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें भाजपा द्वारा संचालित योजना विस्तारक योजना को लेकर चर्चा की गई। बैठक में भाजपा नेता बीपी सारस्वत और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस योजना को लेकर भाजपा ने अजमेर संभाग यानी टोंक, नागौर, अजमेर शहर और भीलवाड़ा में 29 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें से भाजपा ने अभी तक 26 विधानसभा में अपना विस्तारक नियुक्त कर दिए हैं। ये विस्तारक आगामी चुनाव में अपने कार्य की गति से पार्टी को मजबूत करेंगे। ये जो बैठक है, ये अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक महत्वपूर्ण योजना अपन ने संचालित की है, विस्तारक योजना, उसकी अजमेर संभाग की ये अजमेर डिवीजन की बैठक है। अजमेर संभाग में प्रशासनिक दृष्टि से 4 जिले आते हैं, जिसमें अजमेर, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा है। इसमें 29 विधानसभा सीटें हैं और 29 विधानसभा सीटों पे हमने 26 विस्तारक नियुक्त कर दिए हैं और उन विस्तारकों को हमने बूथ लेवल पे और 5-5 बूथों पे एक शक्ति केंद्र बना करके ऐसा एक हमने काम प्रारंभ किया है। और हमारा ये काम यह है कि विस्तारक का काम कि उस बूथ को और उस शक्ति केंद्र को मजबूत करना और वहाँ जो कार्यकारिणी बनी हुई है उसका गठन करना। इस बैठक के अंदर अपना जो प्रदेश का काम देख रहे हैं राघव जी शर्मा, वो भी अभी आएंगे। मैं श्याम शर्मा, मेरे पास इस अजमेर संभाग का दायित्व है और यहाँ पे जो हमारे शहर अध्यक्ष और जो देहात अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में हैं। सर, आने वाले कैसी रणनीति बनाई जाएगी? आगामी चुनाव के अंदर रणनीति बनाने का काम तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है। विस्तार की योजना का काम यह है कि बूथ लेवल पे और शक्ति केंद्र लेवल पे पार्टी बिल्कुल मजबूत हो जाए और कोई भी उम्मीदवार हो, कमल का फूल हमारे लिए स्थायी उम्मीदवार है और पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जो चिन्ह लेकर के आएगा उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइजेशन काम कर सके, इसलिए ये एक संगठनात्मक बैठक है। श्याम शर्मा, संभाग प्रभारी।